हेलो एवरीवन, देखो आज जो है आज मैं करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में कंप्लीट डिस्कस करूंगा। जो आपकी करियर अपॉर्चुनिटी है वो आपकी कोर ब्रांच में है, फूड टेक में, ठीक है ना। तो जो भी आपके बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में हम स्टेप बाई स्टेप जो है पूरा डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो IIT असम ने जापान की यूनिवर्सिटी के साथ एक कोलाब्रेशन प्रोग्राम लॉन्च करा है, डेट इज़ द इंटरनेशनल फूड टेक प्रोग्राम, ठीक है ना। सो बेसिकली इट्स अ इंटरनेशनल जॉइंट डिग्री ऑफ एम टेक इन फूड टेक, ठीक है ना। तो आपकी इंटरनेशनल जॉइंट डिग्री है एम टेक की फूड टेक ब्रांच में। तो ये आपके बी टेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो भी आपके सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स हैं जो अपना जो करियर है वो आप कोर ब्रांच में स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो जो बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। अब इनमें डिस्कस करेंगे कि आपकी इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या सिलेक्शन है। तो एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूँ तो एलिजिबिलिटी है आपकी कि आपको डिग्री चाहिए इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बेसिक ग्रेजुएशन डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूँ तो आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए। इसके अलावा इसमें दो तीन ब्रांचेस और हैं जो अवेलेबल हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करूँगा। तो आपके बीटेक अगर आपके पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। सेकेंड, इस प्रोग्राम का सिलेक्शन क्या है, ठीक है। ये आपका एम टेक प्रोग्राम है पहली बात तो, ठीक है। दो, आपकी इंडिया और एब्रॉड में है, ठीक है। इसका सिलेक्शन कैसे होगा, अगर आप देखोगे तो इसमें सिलेक्शन में आपके दो फेस हैं। क्या हैं आपके दो फेस हैं, एक है आपका फेस वन एंड द सेकेंड इज फेस टू। क्या है आपका फेस वन और फेस टू, ठीक है। अब देखो फेस वन में क्या है, फेस वन में आपका फर्स्ट स्क्रीनिंग है। जो स्क्रीनिंग आपकी होगी वो आपकी होगी प्योरली आपकी जो फर्स्ट स्क्रीनिंग है वो आपकी गेट जो आपका एग्जाम होगा, गेट किसमें, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, गेट AG। आपकी जो फर्स्ट स्क्रीनिंग होगी वो आपकी गेट एग्रीकल्चर के स्कोर के बेसिस पे होगी। तो जो भी आपको अगर आपको देखना है तो फर्स्ट स्क्रीनिंग मतलब जो फर्स्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो आपके गेट के स्कोर के बेसिस पे होंगे। तो ध्यान रखो मार्क्स के बेसिस पे नहीं है, स्कोर के बेसिस में, क्योंकि इसमें दो तीन ब्रांचेस और अवेलेबल हैं वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल इंजीनियरिंग साइंसेज के हैं, फूड टेक के हैं, तो वो लोग भी अप्लाई करेंगे। तो सब में आपका गेट एग्रीकल्चर का स्कोर देखा जाएगा बस। और AG स्कोर में हमारे पास एडवांटेज ये रहता है कि अगर आपके नंबर कम भी हैं फिर भी आपका AG स्कोर जो है ज़्यादा रहता है, गेट का स्कोर। तो आपकी स्क्रीनिंग जो होगी वो गेट के स्कोर पे बेसिस पे होगी। फिर आपके जितने भी कैंडिडेट्स आपके शॉर्टलिस्ट हुए हैं यहाँ पे, फिर उनका इंटरव्यू होगा। क्या होगा, इंटरव्यू। और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो उन्होंने लिखा था फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ओनली ऑन द इंटरव्यू। तो जो भी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका इंटरव्यू बेसिस पे होगा बस। इसमें आपके गेट स्कोर का फाइनल सिलेक्शन में कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको जो कॉल आएगी जो आप शॉर्टलिस्ट होगे वो आप गेट स्कोर पे होगे, ठीक है। इसमें उन्होंने लिखा है आपका फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा और एक आपकी एकेडमिक प्रोफाइल पे। किस पे, एकेडमिक प्रोफाइल। एकेडमिक प्रोफाइल का मतलब है कि आपने ग्रेजुएशन में आपकी कितनी परसेंटेज है, आपने कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कराओ या आपने और कोई किसी ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट कराओ जो फूड टेक के आसपास हो, तो उसमें आपके सभी नंबर जो ऐड होंगे, ठीक है। तो आपको अपनी एकेडमिक प्रोफाइल बिल्डअप करनी है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से ही। तो आप अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हैं तो आप अभी से गेट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि गेट के स्कोर पे आपको कॉल आएगी जो आपका इनिशियल फेस होगा अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, और जो सेकेंड फेस होगा उसमें आपको अपनी एकेडमिक प्रोफाइल, देखो आपकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं। अभी आपकी एक IIM अहमदाबाद में कॉन्फ्रेंस होगी, अगर आप देखोगे तो IIM अहमदाबाद और जितने भी IIMs हैं, CFTRI है और आपके GV बंदनगर यूनिवर्सिटी हो गई, तो वहाँ पे फूड टेक की कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं। तो आपको अपना उस फूड टेक की कॉन्फ्रेंस में आपको अप्लाई करना है। आप देखो कि आप कैसे वहाँ पे कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको अपनी एकेडमिक प्रोफाइल खुद बिल्टअप करनी है, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी होता है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आपको बस इनफ टाइम होता है। तो आपको मैं एडवाइस दूंगा कि आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस देखो कि इंडिया में कहाँ कहाँ हो रही है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, तो आप उसमें अप्लाई करो। जितनी भी आपकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है आप उसमें देखो कहाँ कहाँ पे हो रही है। मैक्सिमम ये आपकी IIM अहमदाबाद में होती है, क्योंकि IIM अहमदाबाद का जो फूड टेक कोर्स है बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आपकी GV बंदनगर यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी आपका जो फूड टेक कोर्स है बहुत अच्छा है। तो आपको वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे मुझे पेपर अप्लाई करना है, ये सब आपको खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड, तो आपका सिलेक्शन जो है इंटरव्यू पे, थर्ड की आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्यों हैं, आपको ये प्रोग्राम करना क्यों है, अगर आप इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो अगर आप इनका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जाओगे, जो इनका ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है IIT गुवाहाटी का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आपको वीडियो के एंड में मिल भी आएगा, ठीक है, वीडियो के साथ मिल जाएगा। अगर आप इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में जाओगे तो इनका फर्स्ट पॉइंट लिखा है
द इनहांस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया एज वेल एज एब्रॉड, मतलब कि जो आपकी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो आप इंडिया में भी ले सकते हो और एब्रॉड भी ले सकते हो। तो ये आपका बहुत क्रिटिकल और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि अगर आपका प्लेसमेंट, एक तो आपके प्लेसमेंट चांसेस बढ़ जाएंगे, एक तो इंडिया और एक आपके एब्रॉड। और अगर आप वर्ल्ड में गूगल करोगे तो एक, अगर मैं लिखूं यहां पे, तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया एंड एब्रॉड, तो ये आपका बहुत मेन पॉइंट है। सेकंड पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं, तो अगर आप गूगल करोगे तो आपकी यहां की फूड इंडस्ट्री, यहां की फूड इंडस्ट्री बहुत हाईटेक इंडस्ट्री है, इसलिए भी ये प्रोग्राम लॉन्च करा गया है कि अगर आप यहाँ की फूड इंडस्ट्री देखोगे तो बहुत हाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वहाँ पे। तो आप कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हो वहाँ पे, आपको बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दूसरा एडवांटेज ये है। तो अगर आप इसी के सिर्फ, अब मैं बोल रहा हूँ जो इसके इंफॉर्मेशन ब्रोशर है उसमें आपके जो पॉइंट्स हैं, जो एडवांटेज पॉइंट्स हैं, उनसे गो थ्रू हो आप, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, तो आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। आप जापान में भी रहोगे तो बेसिकली इस प्रोग्राम में है क्या कि आपके चार सेमेस्टर होंगे, एक सेमेस्टर आप, तीन सेमेस्टर आईआईटी गुवाहाटी में रहोगे, एक सेमेस्टर जापान में रहोगे। ठीक है, और वहाँ पे इसकी थोड़ी फीस है, जो फीस है बहुत कम है, मैक्सिमम है कि इसमें आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी है, और जो फीस जो है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू अगर आप अलग से एमएस के लिए अप्लाई करते हो। वो आप गो थ्रू हो सकते हो, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो ये प्रोग्राम प्लेसमेंट के लिए बहुत अच्छा है।